हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आज के मेरे दिन के एक्सपीरियंस पे मैं शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली अगर मैं इसको हेडिंग दूंगी तो हाउ टू नो योर फॉल्स ट्विन फ्लेम। अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं रियल ट्विन फ्लेम एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम, कैटलिस्ट, ट्विन रे, ऑल दिस। आज जब इस दिन में मैं काउंसलिंग कर रही थी, एक मेरे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था और उन्हें शायद कहीं से पता लगा टैरो से या वॉट एवर, शी केम टू नो कि शी इज़ ट्विन और बट एंड शी वॉज़ वर्किंग हार्ड फॉर दिस जर्नी, बट उनको टेलीपैथी भी नहीं समझ में सुनाई में आती थी, एक कनेक्शन भी फील नहीं हो रहा था, कुछ भी उनके पर्सन में मोमेंट नहीं हो रहा था, nothing. So she took counseling from me and whatever she explained, मुझे लगा कि I think मुझे, मैंने उनसे permission लेके, मैं नाम नहीं बताऊँगी, but मैंने उनसे permission लिया कि can I share your experience with my subscribers. So definitely कुछ traits होते हैं false twin flame के जो आपको पता होना चाहिए, so that आप भी सो दैट यू कैन सेव योर टाइम, एनर्जी एंड योर होल लाइफ। जो लोग इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं इस जर्नी के लिए, आपको भी इफ हाउ टू रियलाइज और श्योर योर पर्सन इज ट्विन और फॉल्स ट्विन, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका पर्सन फॉल्स है या ट्विन नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन सेव योर एनर्जी, योर टाइम, योर होल लाइफ, योर इमोशंस, ठीक है, योर हार्ड वर्क, everything you can save. Okay, so first trait of the false twin is this: they always want, they always love to take from you. It could be money, it could be your energy, it could be your admiration, like aap unki tareef karte raho, they are very happy ki aap unko praise karte raho, unko compliment dete raho, ठीक है। इवन दे कैन टेक योर एंटायर लाइफ, मतलब एंटायर लाइफ मतलब कि आपके, आप अपने घर में कितने भी व्यस्त हो, यू शुड बी अवेलेबल फॉर हिम और हर एनी टाइम। आप अपने फैमिली में बिजी हो, आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, या आज आप अवेलेबल नहीं हो, आप कहीं गए हो फैमिली के साथ, पर नहीं, फॉर हिम यू हैव टू अवेलेबल, यू हैव टू पोस्टपोन योर प्रोग्राम। इस प्रकार से अगर आपके ट्विन करते हैं तो ही इज नॉट एट ऑल योर रियल ट्विन, बिकॉज रियल ट्विन के ये ट्रेट्स होते ही नहीं है। सेकेंड, दे ऑलवेज लाइक, अब आपने तो प्यार में सब कुछ दे दिया, आपने अपनी अपना लव भी दे दिया, अपना एंटायर टाइम भी दे दिया, आपने उनके हिसाब से चलिए एडजस्ट भी कर लिया, अब आप उनके लिए अवेलेबल हो भी गए, बट जब उनका टाइम होता है लेने का, दे नेवर गिव। वो आपको प्यार भी नहीं देते ठीक से, वो आपको बेबी, स्वीटी, व्हाटएवर सब चीज़ें बोलेंगे, आई लव यू भी बोलेंगे, बोल देंगे, कहने में क्या जा रहा है, बट वो आपको रियल लव नहीं करेंगे। दे विल नेवर गिव यू रियल लव, दे विल नेवर गिव यू बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, दे विल नेवर शो यू द रियल इंटरेस्ट, दे जस्ट सिंपली नो हाउ टू टेक। बेबी, स्वीटी बोल के कैसे आपसे लेना है, दे सिंपली नो दिस, बट वो आपको आपकी लाइफ के अनफॉर्गेटेबल ब्यूटिफुल मोमेंट्स नहीं देंगे। ओके, देन थर्ड थिंग, कि अगर आपने उनको कुछ, उन्हें आपसे कुछ मांगा लाइक मनी या वट एवर, आपने उनको दिया, वो लेने के बाद वो दे विल लिटरली डिसअपियर, वो चले जाएंगे, दे विल नॉट इवन फील, मेक यू फील थैंकफुल, वो आपको थैंकफुल भी फील नहीं करेंगे लाइक। और उसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो दे विल बी बिजी इन देयर, हाँ, दे विल ऑलवेज बिजी हियर इन देयर, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहाँ हूँ, लाइक दिस। और इफ़ यू विल मेक सम प्लान, चलो मिलते हैं, चलो संडे को मिलते हैं, सैटरडे को मिलते हैं, लाइक दिस, दे विल ऑलवेज हैव देयर प्लान्स, कि आज तो मैं दोस्तों के साथ बिजी हूँ, आज तो मैं फैमिली में बिजी हूँ, आज ये है, मीन्स यू वर नॉट इन देयर प्रायोरिटी
आपसे लेने के बाद भी वो आपकी प्रायोरिटी में आप नहीं होंगे, यू विल लिटरली लास्ट ऑन देयर लिस्ट, और आई थिंक वो भी नहीं, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली वेरी टॉक्सिक इन देयर नेचर एंड दे यूज टू मेक यू कोडिपेंडेंट लिटरली। आपको आपको लगेगा वो बंदा इंटरेस्टिंग एक्चुअली नहीं होगा, ही यूज टू फील बोर विद यू एंड यू यूज टू फील बोर विद दैट पर्सन, योर पर्सन, बट आप एक प्रकार से इमोशनली हुक्ड रहोगे कि आपको खुद मज़ा नहीं आ रहा है उनकी कंपनी में, अच्छा नहीं लग रहा, बट कहीं ना कहीं बस आप इमोशनली हुक्ड हैं। और ये चीज़ समझना बड़ा मुश्किल होता है कि हम एक्चुअली में पर्सन को प्यार कर रहे हैं, एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग हिज कंपनी, और आई एम जस्ट इमोशनली हुक्ड। तो यू हैव टू ये एनालाइज आप ही को करना है, ये कोई और एनालाइज नहीं कर सकता कि आप उसकी कंपनी में उनके साथ बस लिटरली एंजॉइंग मोमेंट्स, और यू आर जस्ट कि एक एक आदत पड़ गई है, हैबिट हो गई है, एंड जस्ट सिंपली हुक्ड कि मैं अब वो आदत को निकाल नहीं पा रही, छूट नहीं पा रही, लाइक दिस। सो दे विल नेवर टेक इंटरेस्ट इन योर डेवलपमेंट ऑल्सो, लाइक दे कैन, अगर आप अपना कुछ बेस्ट दिखाओगे दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट, दे कांट सी द बेस्ट इन यू। अगर आप कहोगे देखो मैं कितना अच्छा गाना गाती हूँ तो ओके ओके, मतलब दे विल नॉट अप्रिशिएट यू कि वाओ यू यू हैव दिस, यू आर गॉड गिफ्टेड, और यू शुड मेक दिस योर करियर, या आपको खूब हार्डवर्क करना चाहिए, लाइक आपको कभी भी वो मोटिवेट नहीं करेंगे, दे विल नेवर टेक इंटरेस्ट इन यू, और दे इनफैक्ट दे विल नेवर टेक इंटरेस्ट इन नोइंग यू, उनको आपको एक्सप्लोर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उनसे कहोगे कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, आई एम गेटिंग इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी, लेट्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वो भाग जाएंगे, वो बिल्कुल आपके में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनका आप में आपके में कोई फोकस ही नहीं रहेगा, आप वो अपने में ही फोकस्ड रहते हैं, वो सेल्फ फोकस्ड रहते हैं, खुद में खुश, खुद के ही जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, पॉइंट ऑफ फन है, वो उसी में फोकस रहेंगे, वो आपकी किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ना लेंगे, दे लिटरली डोंट केयर, ओके। देन टेलीपैथी तो जैसे कि मैं बताया है कि आपको फील होएगी नहीं, समटाइम्स अगर आप बहुत याद कर रहे हो तो यू मिस, बट किसी को मिस करना और एक कनेक्शन फील होना ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। सी अब इस चीज़ को आप ही को फील करना है कि यू आर मिसिंग योर पर्सन सो यू आर क्राइंग, और यू आर फीलिंग योर पर्सन इनसाइड, आपको कनेक्शन आपके अंदर फील हो रहा है या आप उसको मिस कर रहे हो, ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं जो आपको खुद ही आपको एनालाइज करना है। अब अगर आप उनसे बात करेंगे कि चलो हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेट्स मैरिज, ठीक है शादी कर लें, दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन मैरिज इवन। सी सबसे बड़ा जो ट्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट होता है कि दे विल, बोथ ऑफ यू विल नेवर शेयर द सेम विजन। कि अगर आपने कहा कि मैं आगे जाके इस जर्नी में रियूनियन के बाद एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, या मैं गरीबों के लिए ये करना चाहती हूँ, तो दे विल नॉट एट ऑल शेयर। आप टेस्ट कर सकते हो लाइक दिस, दे विल नॉट शेयर द सेम विजन। अगर आपका बंदा, आपका पर्सन इंटरेस्टेड है कि हाँ यार हमको गुड वर्क करना चाहिए, कुछ सर्विस करना चाहिए, वी शुड वर्क फॉर द सोसाइटी, सम ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना चाहिए, हार्मोनियस वर्क करना चाहिए फॉर द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ द अर्थ एंड सोसाइटी, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो दे आर योर रियल ट्विन। क्योंकि डिविनिटी तो होनी चाहिए, जब डिविनिटी ही नहीं बंदे में, वो आपके साथ कोई विजन शेयर नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ कोई लाइफ में प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी या आपके विजन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन यू, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन मेकिंग द गुड रिलेशन विद यू, वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन तक बनाने में फोकस नहीं कर रहे हैं, दे आर सिंपली देयर इन योर लाइफ टू टेक टेक टेक, उन्हें कोई मतलब नहीं है, दे आर नॉट इन टू टेक एनी बिल्ड एनी गुड रिलेशन विद यू और मेक एनी फ्यूचर विद यू, दे आर सिंपली फोकस इन देयर हैप्पीनेस, देयर फन, देयर एनर्जी, देयर वट एवर दे वॉन्ट, लाइक दिस। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि एक्चुअली में वो आपको प्यार ही नहीं करता है, और
ये आपको महसूस होना चाहिए, ये आप, ये इट्स अप टू यू कि क्या आप उसका प्यार महसूस कर रहे हो या सिर्फ आप होक्ड अप हो, क्या लिटरली वो आपको प्यार करता है या सिर्फ आप एक विक्टिम हो। ठीक है, इफ ही इज रिजेक्टिंग यू, यू आई मीन जैसे कि सेपरेशन में आपके बंदे आपको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, दे यूज टू रन, बट आपको फिर भी वो कनेक्शन अपने अंदर फील होता है कि वो रन कर रहा है ड्यू टू फियर, फियर से ऑपरेट करके रन कर रहा है बट वो मुझे प्यार करता है। बट अगर आप वो आपको ऐसे रिजेक्ट कर रहा है कि आपको वो प्यार अपने अंदर महसूस ही नहीं हो रहा है, तो दैट इज हिज ईगो। ओके, तो एक सिंपल सा टेस्ट है इसका कि अगर वो आपको रिजेक्ट करके रन कर रहा है बट यू आर स्टिल फीलिंग हिज लव इनसाइड यू, इफ यू आर स्टिल फीलिंग हिज कनेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपको वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यू मस्ट थिंक वंस कि आप यहाँ टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी जर्नी में अपनी एनर्जी तो वेस्ट नहीं कर रहे हो। देन हम लोग कहते हैं जर्नी में बहुत फाइट्स भी होती हैं, ओके, ऑन एंड ऑफ आते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है कि देर इज़ नॉट एट ऑल अ सिंगल चांस कि कुछ रिकन्सिलेशन हो सके, तो यू शुड थिंक वंस। बहुत ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रहा है। देखिए, 2 महीने में एक बार बंदा आया फिर चला गया, फिर 3-4 महीने में उसको कुछ एहसास हुआ बिकॉज ऑफ योर हार्डवर्क वो आया, इट्स ओके, बट बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आपसे आया, आपसे कुछ लिया, फिर चला गया, फिर बात जल्दी से आ गया, आपसे लिया कुछ लिया, फिर आप पे इल्ज़ाम डाल के टच फिर चला गया। मीन्स ही इज़ मैनिपुलेटिंग विद यू, आया कुछ आपसे लिया, आपकी एनर्जी ली, आपका प्यार लिया, या अपनी तारीफ चाहिए उनको, कॉम्प्लीमेंट्स लिए, या कोई चीज़ ली, गिफ्ट्स लिए, मनी लिया, और फिर उसके किसी न किसी बहाने से बहाना करके आपसे फाइट करके आप पे इल्ज़ाम डाल के फिर चला गया। अगर इस प्रकार की बुलशिट अगर आपका पर्सन करता है, तो यू शुड थिंक वंस कि आप एक रियल रिलेशन में हो या नहीं। ठीक है, तो मुझे लगा कि जो आज मैंने काउंसलिंग करी थी, और मुझे लगा कि अगर आप लोग भी इस जर्नी में ऐसा कुछ फील कर रहे हो, तो आई मस्ट डिस्कस विद यू, इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं आप लोग को ये सही राह दिखाऊं। क्योंकि ये बात सही कि सब लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, इट इज़ वेरी बहुत कम क्वांटिटी में है, नंबर्स में है, पूरी अर्थ में। तो आप लोग को इट इज़ योर गट फीलिंग्स, डेफिनेटली इट्स योर गट फीलिंग, लेकिन फिर भी आप इन पॉइंट से अपना मैच करिए, देखिए कि आई विश कि आप सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपकी जर्नी पूरी हो, सक्सेसफुल हो। बट आज के मेरे एक्सपीरियंस के कारण से आई वॉज जस्ट बाउंड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइज। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। खुश रहिए, ध्यान रखिए, गुड नाइट दोस्तों, लव यू ऑल।